SSH India. जनपद भदोही में जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी चल रही है, इसी क्रम में हम लोगों के द्वारा गुप्त जांच की गई, जिसमें कल दो लोगों को इसमें पकड़ा गया है, जिसमें एसओजी की टीम भी लगी हुई थी और हमारे इंस्पेक्टर जो भदोही हैं वो भी इसमें लगे हुए थे। तो ये वो दो लोग हैं, इसमें एक का नाम सुप्रीत है और दूसरे का नाम श्याम गुप्ता है। ये दोनों ही लोग यहाँ पर पहले से ही ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। चूँकि इस समय ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कमी हो रही है, इस वजह से इन लोगों ने इसकी कालाबाजारी करना प्रारंभ कर दिया और इसी की सूचना पर इनके ऊपर पकड़ा गया है, जिसमें आप देख रहे हैं पीछे कि हम लोगों ने करीब 9 जम्बो सिलेंडर इनसे बरामद किए हैं और वो सारा सामान भी हम लोगों ने बरामद किया है जो ऑक्सीजन की सप्लाई देते समय काम आता है। ऑक्सीजन का रिफिलिंग का सामान भी हम लोगों ने प्राप्त किया है, जिसमें से एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ऑक्सीजन को कम और ज़्यादा करते थे, तो इस प्रकार इनकी गिरफ्तारी की गई। ये सर कहाँ सप्लाई करते थे, इनको ऑक्सीजन कहाँ से उपलब्ध होती है? ये एक पुराने ठेकेदार हैं और यहाँ के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इसमें काफ़ी समय से ये काम कर रहे थे। क्योंकि इस समय जब ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा मात्रा में लोगों को हुई तो उन्होंने इसकी कालाबाजारी प्रारंभ कर दी है। इन्होंने किन किन लोगों को सप्लाई की है इसके बारे में विवेचना के माध्यम से पता चलेगा और उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी कि क्या उन्होंने इन्हें किस तरीके से बेचा है और किस आधार पर उन्होंने इसे खरीदा है, इसकी आगे जानकारी दी जाएगी। कितने में ये ब्लैक कर रहे थे सिलेंडर को? देखिए, अभी तक जिनको कल पकड़ा गया है उन्होंने 10,000 रुपये के आसपास बताया है कि 10,200 रुपये इनके पास से बरामद हुआ है और 6,000 रुपये में ये सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे। तो इस प्रकार, और हो सकता है कि ये कम और ज़्यादा में भी किसी को देते हों, ये जब आगे विवेचना होगी तो उसमें क्लियर होगा कि ये कितने कितने रुपये में किस किस को सिलेंडर दिए हैं। सर, सरकारी सप्लाई भी ये लोग जुड़े थे क्या? L2 में ऐसी चीज़ें आ रही थी कि L2 में भी ये लोग सप्लाई कर रहे थे? आपकी बात बिल्कुल सही है और ये लोग L2 में यहाँ पर सप्लाई दे रहे थे, लगातार सप्लाई दे रहे थे, लेकिन इसी बीच जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पड़ रही थी तो ये उसी बीच उसी में के पास से बरामद हुआ है और 6,000 रुपये में ये सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे। तो इस प्रकार, और हो सकता है कि ये कम और ज़्यादा में भी किसी को देते हों, ये जब आगे विवेचना होगी तो उसमें क्लियर होगा कि ये कितने कितने रुपये में किस किस को सिलेंडर दिए हैं। सर, सरकारी सप्लाई भी ये लोग जुड़े थे क्या? L2 में ऐसी चीज़ें आ रही थी कि L2 में भी ये लोग सप्लाई कर रहे थे? आपकी बात बिल्कुल सही है और ये लोग L2 में यहाँ पर सप्लाई दे रहे थे, लगातार सप्लाई दे रहे थे, लेकिन इसी बीच जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पड़ रही थी तो ये उसी बीच उसी में से कालाबाजारी कर करके, अब इसमें किस किस की मिली भगत है ये आगे जांच का विषय है और विवेचना के माध्यम से वो सब जो भी दोषी होंगे उन सबको पकड़ा जाएगा और सबको जेल भी इन सिलेंडरों का क्या होगा? अभी फिलहाल ये सिलेंडर जो है इनको हम लोग अभी मालखाने में जमा होंगे, लेकिन चूंकि ये इस समय की ज़रूरत का सामान है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से रिलीज किया जाए और तत्काल इसको जो है विभिन्न अस्पतालों में या जहां पर इसकी ज़रूरत होगी वहां इनको भेज दिया जाए, जिससे पुनः अपने कार्य में लगेंगे। सर, एक चीज़ ये समझना चाह रहे हैं कि ये अगर जैसे सरकारी और प्राइवेट सप्लाई कर रहे हैं तो सिलेंडर जहाँ से रिफिलिंग करा रहे हैं तो वहाँ से तो अगर देखा जाए तो बहुत गिनती के आ रहे थे, तो क्या इसमें जो L2 के कर्मचारी हैं या अन्य लोग भी मिले हो सकते हैं? क्योंकि बिना उनकी मिली भगत के वहाँ से तो निकल नहीं सकता है वहाँ की सप्लाई का। देखिए, अभी इसमें किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हमारे इंस्पेक्टर भदोही के द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, इसकी विवेचना की जा रही है और उम्मीद है कि CDR के माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से जो भी सटीक जानकारी होगी उसको विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा और सभी दोषियों को नियमानुसार कार्रवाई करके जेल भेजा जाएगा। सर, इसमें कितने लोग हैं? अभी फिलहाल 2 लोग पकड़े गए। और सर, कोई फरार भी इसमें? कितने लोग फरार हैं इसमें? नहीं, फरार कोई नहीं है इसमें, 2 ही लोग पकड़े गए हैं, इसके बाद विवेचना के माध्यम। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।